क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, ये पिछली रात के हैं हम लोग जो हैं नया नाजमाबाद गए थे ज़रा से यूं ही आउटिंग के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा इलाका है, बहुत अच्छी सोसाइटी है और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कराची के किसी जगह पर हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, सुकून और इतनी सिक्योरिटी, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हम यूं ही रात में ज़रा निकल गए थे बहन भाई सारे, तो बस आउटिंग करके आ गए। और मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा, मतलब अगर रहना है कराची में ही तो ये बहुत ही प्यारी सोसाइटी है। तो जनाब वहाँ से आ गए हैं और ये नेक्स्ट डे है, संडे मॉर्निंग है। और संडे मॉर्निंग को जैसा कि मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और लाइट चली गई है, मतलब लाइट भी चली जाती है, गैस भी चली जाती है, और गैस आती है तो लाइट नहीं होती, लाइट आती है तो पानी नहीं होता। तो बस इन्हीं मुश्किलात से जो हैं हम नबर्द आज़मा हैं। और पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम उम्मीद किए बैठे हैं कि हमारे मुल्क में सारी चीज़ें फिर से अच्छी हो जाएंगी और सब कुछ वैसे ही मिलेगा, तो मायूस नहीं होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ आज, जैसे कि इंट्रो से ही देख लिया होगा कि आज मेरी बेटी जो है, छोटी बेटी आमना, उसकी सालगिरह है। तो बस उसकी ही तैयारी कर रही थी मैं। और तैयारी में एज सच पहले तो यही बात हुई कि क्या बनाएं, मेन्यू सेट किया गया, तो सबकी पसंद की उसके अंदर चीज़ें थी। तो यहाँ पर बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, बिरयानी मस्ट है। मेरी भतीजी ने कहा फुफ्फो आप ज़रूर से बिरयानी बनाएंगी, तो बस मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल बिरयानी है वो बना रही थी। और उसकी तैयारी भी कर रही थी कि कहीं लाइट ना चले जाए, तो पहले से पहले हर चीज़ जो है मैं वो करके रखती जा रही थी। तो जनाब सालगिरह तो मनाते हैं, तो उसके हिसाब से ना मुझे बस यहाँ पर एक शेर याद आ गया कि कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। तो जनाब यही बात है कि सालगिरह जब हम मना रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी से जो है ना एक साल और कम हो जाता है। ज़ाहिर है कि हम जितनी अपनी उम्र लेके आए हैं उतनी उम्र में से हमने जितनी भी ज़िंदगी गुजार ली है और बाकी जितनी बच गई आगे, अल्लाह करे कि वो बेहतर से बेहतरीन हो वो ज़िंदगी। तो यहाँ पर सालगिरह मनाना भी ज़रूरी है, छोटी बेटी है और फिर उसकी फरमाइश होती है कि सबको बुलाया जाए, सबको मतलब सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, जो बस छोटी है ना उनकी ही फरमाइश चलती रहती है घर में। तो सारे भाई बहन को बुला लिया है और भी लोगों को दावत दे दी है, तो बस ये एक मिल बैठने का बहाना हो जाता है। ऐसा सच सालगिरह हो या कोई और छोटी मोटी तकरीब हो, इस तरह से ना बस ये तकरीबात एक बहाना होती है मिल बैठने का। तो जब हम मिल बैठते हैं तो उसमें जब ये होता है ना कि कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, किसी के चेहरे पे माँ मुस्कुराती नज़र आएगी और किसी के लहजे पर बाप। तो जनाब बस यही बहाना बना लेती हूँ मैं, और अक्सर ही जो है ना हम भाई बहन एक दूसरे के घर पे जमा हो जाते हैं और एक दूसरे से हंस बोल लेते हैं, अच्छा टाइम गुजार लेते हैं। तो आज भी सभी इनवाइटेड हैं और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि बताया है कि एक की फरमाइश है बिरयानी, एक की फरमाइश है कि पास्ता बनाएं, और पास्ता जो है यकीनन वो आमना की ही फरमाइश है कि पास्ता भी बनाएं। फिर मैंने हलीम भी बना लिया है और कुछ चॉप्स भी बना लिए हैं बड़ों के हिसाब से और छोटों के हिसाब से, सब चीज़ें जो हैं मैं वो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, और यहाँ लाइट जाने का भी डर होता है कि बस लाइट ना चली जाए। तो यहाँ जब मैंने खाना स्टार्ट किया है पकाना, तो उस वक्त जो है ना वो गैस का प्रेशर कम हो गया। तो बस यही सारी चीज़ों से जो है ना हम गुज़र रहे हैं अभी, और अल्लाह करे कि हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उनको इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जिनसे हम गुज़र रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमने बहुत अच्छा वक्त देखा ना, हमारे दौर में हमारे बचपन में लाइट जाती थी, ना पानी का मसला था और ना गैस। तो बस अब ये मसाइल आ गए हैं, लेकिन हमने तो इनको इनके साथ जीना जो है ना सीख लिया है।
बस बच्चों के लिए दुआ है कि उनके साथ जो है सब कुछ अच्छा अच्छा हो और पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। तो चूंकि यहाँ पर सालगिरह की तैयारी हो रही है, तो अब मैं नेक्स्ट जो है ना कोरमा तो तैयार हो गया है और यहाँ पास्ता की तैयारी कर रही हूँ, जो कि आमना का मोस्ट फेवरेट है। इस कदर फेवरेट है कि बस उसकी ज़िंदगी में पास्ता ही पास्ता है और वो चाहती हैं कि ये रोज़ ही बनाया करें। तो यहाँ पर बस पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। खाना पकाना जो है ना वो मेरा एक तरह से शौक़ भी है कि मैं डिशेस बनाती रहूँ अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं बहुत ही अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से खाना बनाती हूँ सबके लिए। तो अभी खाना बनाते हुए जो है वो मैं आमना ही के लिए, क्योंकि ये डिश बना रही थी तो मेरे जहन में वो एक शेर बार बार आ रहा था कि तमाम उम्र तुझे ज़िंदगी का प्यार मिले, खुदा करे कि खुशी तुझको बार बार मिले। मतलब बच्चों के लिए तो हर वालदैन जो हैं हर वक्त ही दुआ गो रहते हैं, एनी टाइम दुआ ही कर रहे होते हैं। हम चलते फिरते, उठते बैठते, बस बच्चों के लिए ही ना मैं दुआ कर रही होती हूँ। और जब आज ख़ास दिन है, बर्थडे है जिस दिन दुनिया में आई, तो बस वो माँ बाप के लिए बहुत ही हसीन दिन होता है और सारी चीज़ें जो हैं ना वो रिवाइव हो रही होती हैं कि जब दुनिया में आई तो क्या हुआ था और किस तरह दुनिया में आई, किस तरह मेरी गोद में आई। तो माशाल्लाह अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, क्योंकि जब आमना इस दुनिया में आई थी तो काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और 14 डेज़ आईसीयू में भी थी। तो ये हमारी बहुत ही लाडली बेटी है, अपने बाबा की बहुत ज़्यादा लाडली है। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए हम दुआ ही करेंगे दिन रात के, अल्लाह ताला जो हैं इन लोगों को सारे जहान की मुश्किलात से बचाए और इन लोगों को जो है हमेशा खुशियाँ देते रहें। तो बस यहाँ बातों बातों में जो है ना बिरयानी की तह लग गई है और बिरयानी मैंने दो बड़ी पतीलियों में बना लिया है। और यहाँ पर मैं चॉप्स को जो मैंने मसाला लगा के रखा था, अच्छा आज जो है मैं किसी चीज़ की रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बिरयानी मैं हमेशा बनाती हूँ, पास्ता भी बनाती हूँ और हलीम की भी रेसिपी कई दफ़ा दे चुकी हूँ। चॉप्स में मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ जो है ना उसे बना रही हूँ। तो जब किचन का काम कर रही हूँ तो साथ साथ मैं घर की भी सफाई करती जा रही हूँ। और घर भी जब लोग आ रहे होते हैं तो फिर वो थोड़ी स्पेशल किस्म की सफाई हो जाती है। तो इस वक्त मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है और गेस्ट बस आने ही वाले हैं। शाम भी हो चुकी है और खाने को मैंने रेडी भी कर लिया है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ये सोचा है कि जब मैं सर्व करूँगी तो उसी वक्त ही मैं उन्हें अरेंज भी कर दूँगी। तो जनाब अब मैं ज़रा चेंज वगैरह करके आ गई हूँ और जैसे कि मैंने कहा था कि बस इसको जो है ना मैंने लास्ट मोमेंट के लिए रख लिया था। मतलब जो मैंने क्रीमी पास्ता भी बनाना है और उसमें मैंने केचप का भी इजाफा किया है, जैसे कि मैं हमेशा बना देती हूँ, प्योर क्रीमी नहीं है। तो इसके अंदर बस मैंने इस वक्त ऐड किया, क्योंकि अगर ये पहले अगर मैं इसमें डाल देती हूँ ना पास्ता, तो वो जो सारी क्रीम है ना वो ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैंने रखा था कि जब मैं सर्व करूंगी तभी मैं इसको ना मिलाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ये चॉप्स भी तैयार हो गए हैं और साथ में बस मैंने जब ये गल चुके हैं ना तो इसके अंदर मैं ऑयल डाल के बस फ्राई कर लूंगी बिरयानी को भी।
मैंने रख दिया एक तरफ, और ये दो पतीलियों में है। यहाँ पर हलीम भी तैयार हो गई है और इसकी गार्निशिंग भी तैयार कर ली है और इसके अंदर बघार भी डाल दिया है मैंने। अब सिर्फ मुझे गेस्ट का इंतज़ार है, तो जब गेस्ट आ जाएंगे तो फिर उसके बाद पार्टी शुरू होगी। रफ़ियतें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी उम्र खुदा और भी दराज करे। तो बच्चों के लिए बस दुआएं निकलती हैं और दुआएं निकलती हैं। तो यहाँ पर जो माशाल्लाह अभी गिफ्ट्स वगैरह ये अरेंज कर रही हैं, इनकी दोस्त ने भी दिया है, और जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, खाला हैं, बहनें हैं, सब लोगों ने गिफ्ट दिए हैं। तो अभी उनको सिर्फ ये अरेंज कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही इंतज़ार रहता है बर्थडे का। वो अपनी बर्थडे तो बहुत ही शौक से मनाते हैं, लेकिन फैमिली में जिसकी भी बर्थडे होती है, वो छोटे बच्चे उनकी भी बर्थडे बहुत शौक से मनाते हैं। जैसे कि मेरी भतीजी है प्यारी परीजे, तो ये सबकी बर्थडे जो है ना बहुत ही ज़्यादा तो शौक से मनाते हैं। कटिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है और बच्चों ने छुरी संभाल ली है। चुकी है और यहाँ पर फिर से दुआ है कि तुम्हारी सालगिरह के दिन ये दुआ है मेरी, जितने हैं चांद तारे इतनी ही उम्र हो तुम्हारी। तो अल्लाह करे बस बच्चों के नसीब अच्छे करें, इनको इसी तरह से खुशियाँ मिलती रहें और खुशियाँ मिलती रहें। तो अब यहाँ पर जो है वो केक खिलाने की रस्म हो रही है, जैसे कि होता है केक खिलाया भी जा रहा है और गिफ्ट भी दिया जा रहा है। तो ये बच्चों का जो होता है ना, सारे इवेंट में सबसे ज़्यादा पसंदीदा टाइम जो है ना वो ये होता है कि जब बच्चों को उनके गिफ्ट मिल रहे होते हैं। यहाँ पे रस्म केक खिलाई हो रही है, तो सालगिरह की रस्म भी जो है वो अगर ये कहीं से आई है तो ठीक है, बस खुशियाँ ही चाहिए और छोटी छोटी खुशियाँ इन चीज़ों से हो जाती है। बाज़ लोग जो हैं वो सालगिरह को गलत कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि सब मुत्तफिक हों कि बस जहाँ से भी खुशियाँ मिल रही हो ना, बस आप खुशियाँ कशीद करें, खुशियाँ ही लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बस इतनी ही छोटी है कि बस अजान से नमाज तक। तो इस दौरान हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए किसी भी बहाने अगर खुशियाँ पैदा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। तो बस इसी बहाने जो है ना वो छोटी मोटी गैदरिंग हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सब मिल के जो है ना वो इन्जॉय करते हैं। तो भाई अब खाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और खाना जो है सर्व किया जा रहा है, जो कि मैंने बनाए हुए हैं हलीम, बिरयानी, चॉप्स। तो यहाँ पर अब रात हो गई है, क्योंकि संडे के दिन ये मैंने फंक्शन किया था और कोई भी दिन ऐसा नहीं मिल रहा था। तो नेक्स्ट डे क्योंकि वर्किंग डे है, तो इसलिए फिर हम ये प्रोग्राम जल्द ही एंड करेंगे, क्योंकि सबको स्कूल भी जाना है, कॉलेज जाना है और अपने अपने दफ्तरों को जाना है। तो यहाँ पर बस खाना चुन दिया गया है।
आने की तो मेरी बहुत ही तारीफ हुई, दिल मेरा खुश हो गया। हालांकि बर्थडे आमना की है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली जब सारे लोगों ने, एक एक बच्चे ने और बड़े ने ना खाने की तारीफ़ की। और यही वो वक्त होता है जब सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है, और सारी थकन जो सारे दिन की मेहनत होती है ना, और जितनी थक चुकी होती हूँ मैं, तो जब तारीफ़ करते हैं ना तो सारी थकन भी उतर जाती है, मेहनत भी वसूल हो जाती है। तो इस तरह ज़रूर करना चाहिए, किसी की मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने सारा वक्त लगाकर आपके लिए खाने बनाए हैं। तो ये मैं एक टिप दे रही हूँ कि ज़रूर सबकी तारीफ़ कर देनी चाहिए, ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन की, जो वो सारा दिन अपने घर वालों के लिए इतने मज़े मज़े के खाने बना रही होती हैं। तो ज़रूर खाना खाते हुए घर के बच्चों को भी आदत होनी चाहिए कि वो अपनी माँ की चीज़ों को अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें। और माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत तारीफ़ करते हैं, और आज के दिन तो मैं बहुत खुश थी कि सब लोगों को सारी चीज़ें बेहद पसंद आईं और सब ही ने तारीफ़ की है। तो यहाँ पर अब खाना भी हो चुका है और अब केक की बारी आई है, जो कि आज की स्पेशलिटी है और जो मैंने नहीं बनाई है। मेरे ख्याल में हर बच्चे की जो फेवरेट स्वीट है ना, वो स्वीट डिश वो केक है, क्योंकि वो केक इतने शौक से खाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर जो है अब गिफ्ट की मुंह दिखाई हो रही है, और किसने क्या दिया है वो सारी चीज़ें सब इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं। ये वो लम्हा है जिसका हर बच्चे को इंतज़ार होता है अपनी बर्थडे वाले दिन कि उसको क्या क्या गिफ्ट मिल रहा है, किसने क्या दिया है। तो यहाँ पर बहुत खुशी के लम्हात आमना इंजॉय कर रही है, जब उनकी पसंद की हर चीज़ दी गई है, और सब ने देते हुए आमना की पसंद का भी ख्याल रखा है कि आमना को क्या चीज़ पसंद है। तो जनाब यहाँ पर मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा, और मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो बस जी अपना व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ इस दुआ के साथ कि हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, तुझे ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो। अल्लाह करे कि बस इन बच्चों को इसी तरह खुशियाँ मिलती रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।